Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल इंटीग्रल में टॉपिक है डबल इंटीग्रल्स. सो उसमें एक टॉपिक है वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल्स. सो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड गाइज, इसी बता दूं आपको कि इससे पहले हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन की. हम डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे हम जो आपको इक्वेशन गिवन है उसमें अंडर एरिया फाइंड करेंगे. फिर हमने डिस्कस किया था पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कर्व्स क्या होता है, कार्टेशियन को पोलर में कैसे चेंज करते हैं, फिर एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कर्व्स, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. उन वीडियोस को देखने से आपको ये होगा कि आपको आज का जो वीडियो है उसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा और वो वीडियोस आपस में थोड़ा रिलेटेड है, तो आपको डेफिनेटली वो सब टॉपिक जो है वो हेल्प करेगा. वैसे आप डायरेक्ट भी इन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपको उन सारे टॉपिक्स का एक बेसिक आइडिया है तो. और ऑलरेडी बहुत सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी जो वीडियोस हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं. उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप जाकर वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं और डेफिनेटली वो वीडियोस आपको हेल्प करेगा एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. सो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल. सो मैं जस्ट एक प्रीवियस वीडियोस का कुछ बेसिक चीज लूंगा. लाइक जब हम डिस्कस कर रहे थे एरिया बाय डबल इंटीग्रल्स, क्या था एरिया बाय डबल इंटीग्रल्स, तो वहां पे जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डीवाई और इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई डीएक्स. क्लियर है, ये था जब हम एरिया बाय डबल इंटीग्रल था. अब इसमें भी था अगर इन केस ऑफ हम लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. क्लियर है, इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या था कि वहां पे क्या था इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर डी थीटा, और वहां पे कुछ केसेस था लाइक एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. तो वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल में क्या होता है, अब जैसे कि हम डिस्कस करते थे क्यूब का वॉल्यूम, अगर आपको 9th-10th का बेसिक आइडिया होगा क्यूब का वॉल्यूम हो गया या क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया. सपोज ये क्यूबॉइड है, मैं एक जनरल सा डायग्राम ले रहा हूँ आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो सपोज ये जो क्यूबॉइड है, तो जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम 3D स्पेस में. 3D स्पेस मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में, मींस ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया एंड ये जेड प्लेन में हो गया. सो 3D में ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो तीनों प्लेन में लाई करता है, मींस हम एक बार में उस ऑब्जेक्ट का तीन साइड देख सकते हैं. तो वो होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट 3D डायमेंशन में लाई करता है. क्लियर है, तो उस केस में क्या होता है जब 3D डायमेंशन में लाई करेगा, तो जैसे कि हम भी पढ़ रहे थे एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन में, तो वहां पे क्या था एक्स एंड वाई था, वहां पे सिर्फ वो 2D प्लेन में ही लाई कर रहा था. उसमें क्या था फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई होता था, इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा होता था. बट इस केस में क्या होगा 3D प्लेन में फंक्शन ऑफ एक्स भी होगा, वाई भी होगा एंड जेड भी होगा. तो इस केस में जो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे था इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डीवाई या डीवाई डीएक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ आर डीआर डी थीटा, जो जनरल फॉर्म होता है फाइंड करने का. तो इस केस में जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएक्स डीवाई. क्लियर है गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएक्स डीवाई या फिर डीवाई डीएक्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे जो जेड होगा, ये जेड होता है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई. यहाँ पे जो जेड क्या होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई जेड होता है, और फिर इसको फिर क्या करते हैं डबल इंटीग्रेट करते हैं डीएक्स एंड डीवाई के साथ. क्लियर है गाइज, बस अब इसका मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सपोज अगर आपको गिवन होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, या फिर मैं ये लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. क्लियर है गाइज, तो मैंने जनरल फॉर्म क्या बताया इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएक्स dy. क्लियर है, तो अब हमें z फाइंड करना है. तो z अगर हम इस इक्वेशन से फाइंड करें तो हम ऐसा कर सकते हैं इस z को इस साइड रखें, z square is equal to minus of x square plus y square करके. क्लियर है, मैं वैसे ले रहा हूँ जनरल, क्योंकि यहाँ पे अब स्क्वायर है तो अंडर रूट करने पे ये माइनस हो जाएगा, बट मैं जनरल फॉर्म लिया हूँ. ये आपको बहुत जगह ऐसे दिया होगा कि x square plus y square is equal to z square. तो यहाँ से z की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा अंडर रूट x square plus y square. तो ये जो z की वैल्यू यहाँ से आया है, इस z की वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x square plus y square dx dy. क्लियर है, अब हमें क्या करना है लिमिट्स फाइंड करना है. तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम जो आउटर इंटीग्रेशन होता है आउटर में, यहाँ पे ये आउटर होता है, ये कांस्टेंट होता है, इनर होता है, वेरिएबल होता है. सो ये चीज तो z का आ गया. अब अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू
एक्स को वेरिएबल लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जेड को जीरो पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, जेड को जीरो पुट कर देंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो वाई की वैल्यू होगा उसमें एक्स और जेड दोनों को जीरो पुट करके वाई की वैल्यू लिमिट्स फाइंड कर लेंगे। तो ये है वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल फाइंड करने का तरीका। अब इसमें क्या है, अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे तो उसकी हेल्प से क्या होगा, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर डबल इंटीग्रल या फिर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हमने डिस्कस किया था। सो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड x² + a² + y² + b² + c² = 1। क्लियर है? तो एलिप्सॉइड मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पहले जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन में इलिप्स। क्लियर है? तो इलिप्स क्या होता है, इलिप्स होता है हमारे पास x² / a² + y² / b² = 1। क्लियर है? ये होता है इलिप्स। और इसी में जब अगर इलिप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3D प्लेन में तो वो हो जाता है हमारे पास इलिप्सॉइड। तो देख सकते हैं यहाँ पे z² + c² = 1 होता है। सो इलिप्स का जो एक बेसिक डायग्राम होता है, मैं एक डायग्राम बना लूँ, इलिप्स का ए डायग्राम होता है। क्लियर है? तो इलिप्स वाले केस में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हमें एरिया अंडर जो भी क्वेश्चन गिवन था एलिप्स का हमें फाइंड करना था। तो उस केस में हमने क्या किया था, हमने इस रीजन का फाइंड किया था। क्लियर है? जो यहाँ पे शेडेड रीजन है वो फाइंड किया था। और ये जो एलिप्स होता है, ये जो एक्सिस होता है उसके अलोंग सिमेट्रिक होता है। एक्सिस के बाद जैसे देख सकते हैं जितना एरिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर कर रहा है उतना ही एरिया सेकंड क्वाड्रेंट में कवर करेगा, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ एरिया फाइंड किया था। और अब ये सिमेट्रिक है तो हमने क्या किया था, 4 × एरिया एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने कर दिया था, अगर आपको ये चीज याद हो तो। नहीं याद है, अगर आपको ये नहीं क्लियर है तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं एक बार। तो 4 × एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने किया था, उसकी हेल्प से क्या हुआ था कि पूरा एलिप्स, ये पूरा एलिप्स है वो इस क्वाड्रेंट में कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस में वो आपको हमने फाइंड हो गया था। बट यहाँ पे क्या है, एलिप्सॉइड है। तो एलिप्सॉइड क्या होता है, एलिप्सॉइड 3D में होता है, मींस एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा एंड यहाँ पे जेड में भी होगा। अगर इसका हम डायग्राम बनाने का ट्राई करें तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ये ऐसा होता है कुछ, ये ऐसा कुछ एलिप्सॉइड का डायग्राम होता है। क्लियर है गाइस? और ये हो गया सेंटर हमारे पास, पॉइंट को ले लेता हूं। सो जब हमारे पास एक्स एंड वाई था तो हम क्या करते थे, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करते थे। बट यहाँ पे क्या है, 3 रीजन है। क्लियर है? एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जितना फर्स्ट पार्ट का एरिया होगा क्योंकि ये 3D में है तो जितना एक में होगा इसमें टोटल जो 3D प्लेन में होता है 8 होता है। जैसे यहाँ पे क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम ने एरिया फाइंड किया था और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसमें भी इसमें क्या होता है 3D प्लेन में कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करेंगे और उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरे का एरिया फाइंड हो जाएगा जो कि एलिप्सॉइड कवर कर रहा है। तो क्या होगा, 8 × और जो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एरिया जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ z dx dy। अब z dx dy कहाँ से लिखा मैंने, तो ये फॉर्मूला था, ये जो अभी मैंने बताया जनरल फॉर्म इसका होता है, ये चीज यहाँ बताया मैंने अभी। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है, जब हम एरिया बाय डबल इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो क्या होता है, और जब हम वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो उस केस में क्या होता है। क्लियर है? तो यहां से हो गया 8 × इंटीग्रेशन ऑफ z dx dy। अब इस वाले क्वेश्चन से, जो एलिप्सॉइड का क्वेश्चन है, यहां से अगर हम जेड की वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें गिवन है x² / a² + y² / b² + z² / c² = 1। जेड की वैल्यू हम फाइंड करें क्योंकि हमें यहाँ पे जेड की वैल्यू को रिप्लेस भी करना है। क्लियर है? अब z की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो ये लिमिट x का या फिर ये लिमिट y का और आउटर लिमिट कांस्टेंट, ये कैसे कैसे होगा अभी हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इन दोनों टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, z² / c² = 1 - ये हो जाएगा x² / a² - y² / b². तो यहाँ से अगर हम अब ये सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगर हम z की वैल्यू फाइंड करें जेड स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1 / x² / a² - y² / b² और यहाँ से अगर हम जेड की वैल्यू फाइंड करें, मैं नेक्स्ट पे ले रहा हूँ, तो जाएगा z = c√, क्योंकि सी स्क्वायर है तो अंडर रूट होने पे वो सी बन जाएगा और जाएगा c 1 - x² / a² - y² / b² ये हो गई जेड की वैल्यू। सो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी √1 - x² / a² - y² / b² और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx
इंटू डी वाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम सपोज x की वैल्यू को जो इनर वाला है यहाँ पे हम x या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे हम y की वैल्यू को वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर है। सो हमारे पास जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था हमारे पास, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, क्लियर है गाइस। सो जब आप इस स्टेप को कर लें, मीन्स z की वैल्यू हमने फाइंड करके पुट कर दिया, तो अब क्या करें इस वाले इक्वेशन में एज्यूम कर लें लेट z इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो रिड्यूस इक्वेशन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बचा हमारे पास। अब हमने क्या किया है, सपोज हम मान लेते हैं कि हमने वाई इनर लिमिट वाई को वेरिएबल एज्यूम किया है, आप एक्स को भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने वाई को वेरिएबल एज्यूम किया, तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें वाई की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो इस इक्वेशन में हमने एक लिमिट फाइंड कर लिया कि जो इनर लिमिट है उसमें जो y की वैल्यू है वो लाई कर रहा है 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, सी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स डी वाई, क्लियर है। अब हम हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो अब जो ये वाला इक्वेशन था इसमें हम क्या अज्यूम कर ले, लेट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू a आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पे x की भी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, x की लिमिट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब बहुत बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ से हमने फाइंड किया x इज इक्वल टू a, तो ये तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होना चाहिए, क्योंकि जब अंडर रूट कैंसिल होगा तो प्लस माइनस a होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं एक चीज़ यहाँ पे कि अब जो हमने डिस्कस किया था पीछे कि हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स कि हम एक रीजन का फाइंड करके और टोटल ये 3D में 8 रीजन में लाई करेगा। अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखें तो 3D में क्या होता है, टोटल 8 रीजन होता है। अगर आप जैसे कि एक क्यूब होता है, जो अगर आप क्यूब सॉल्व करेंगे या डाइस हो गया, तो उसमें 8 जो अगर इसको 3D प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो 8 रीजन में लाई करता है। तो उसको जब हम क्या करेंगे, एक रीजन का फाइंड करके उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो लिमिट है वो मैं एक रीजन का लेके चल रहा हूँ 0 टू a, और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। सो जो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, फाइनल इक्वेशन बनेगा 8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा c अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, डी एक्स डी वाई, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं हम डी वाई डी एक्स, क्योंकि पहले हमने y वाला वेरिएबल यहाँ पे y वाले वैल्यूज को y वाले लिमिट को वेरिएबल हमने अज्यूम किया है, तो पहले हम dy लिख लेते हैं फिर बाद में dx। ये चीज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन में कि इसको हम यहाँ कैसे लिखते हैं, क्लियर है गाइस। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करें हम, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है पावर में, यहाँ पे भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पे अंदर में आ रहा है, फिर उसके साथ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी है, लेकिन एक टर्म जो है वो कॉमन रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो रिपीटेड टर्म है उसको हम कुछ कोई एक और वेरिएबल एज्यूम करके फिर उसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, तो उसकी हेल्प से ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे जो ये हमारे पास लिमिट है इसको हम कुछ, क्योंकि ये सेम चीज यहाँ पे भी कुछ ऐसा ऐसा रिपीट हो रहा है, आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ये लिमिट में क्या है, बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको सपोज हमने अज्यूम कर लिया है टी, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम इस बी को इस साइड सेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हम यहाँ पुट कर सकते हैं ये जगह पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू t, और यहाँ पे जाएगा c। अब c एक और चीज गाइस कि यहाँ पे जो c है वो कांस्टेंट है, क्योंकि
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो जो उसमें इलिप्स का डायग्राम था, ऐसा कुछ इलिप्स का डायग्राम होता है, क्लियर। उसमें जो ए और बी होता है वो ये दोनों डिस्टेंस होता है, तो ए बी और सी जो हो जाएगा ये तो था एक्स एंड वाई में ए एंड बी, जो सी हो जाएगा वो जेड पॉइंट से डिस्टेंस होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ए बी एंड सी जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, तो हम सी को यहाँ से अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे 8c आ गया, क्लियर है। तो अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्या है टी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये बच गया अंडर रूट टी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया डी वाई डी एक्स, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। अब गाइज यहाँ पे एक और पॉइंट की बी स्क्वायर, अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाहर आके बी हो जाएगा, वो भी एक कॉन्स्टेंट है, तो बी को हम बाहर ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा 8 × c अपॉन बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, अब हम टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में है, इसको हम रिस्पेक्ट टू वाई ही इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, अगर इंटीग्रेट करना हो तो, अगर आपको याद हो आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा जिसमें साइन इनवर्स करके कुछ फॉर्मूला बनता है, तो अगर हम इस चीज को ये जो चीज है इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, मीन्स यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, यहाँ अगर वाई हो तो यहाँ वाई होना चाहिए, ये ए और टी कॉन्स्टेंट होता है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आती है 8 या गया सी अपॉन बी 0 to a अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस जो वाई स्क्वायर होता है इसका इंटीग्रेट करने का जाता है वाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस टी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स y अपॉन टी। एंड गाइज ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में, ऐसा नहीं है कि मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं प्रीवियस वीडियोज में डिटेल में बताया था कि कैसे कैसे फॉर्मूला आता है, तो आप जाकर उन वीडियोज को एक बार देख ले सो दैट कि आपको ये फॉर्मूला डिटेल में क्लियर हो जाए। और यहाँ पे जिसका लिमिट आ गया वो क्या हो गया, ये लिमिट आ गया 0 to t 0 to t एंड यहाँ पे आ गया डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, पहले आप देख सकते हैं गाइज पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट, फिर हम पुट करेंगे यहाँ पे लोअर लिमिट, तो मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए और यहाँ पे सी अपॉन ए भी मल्टीप्लाई में, क्लियर है। अब अगर हम पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है टी है, तो इस टी को जब हम यहाँ पुट करेंगे इस वाले टर्म में तो यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जीरो बन जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा टी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन, क्योंकि टी अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा हमारे पास टी स्क्वायर बाई टू टी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन। और जब हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो पुट किए, तो जीरो पुट करेंगे हम किसके जगह, यहाँ पे वाई की जगह, तो ये वाई की जगह जीरो पुट करेंगे इस वाई की जगह, तो ये पूरा ही जीरो हो गया, और यहाँ भी साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो ये जीरो इंटू जीरो पूरा ही जीरो हो गया, तो यहाँ से ये जीरो आ गया और हम क्या करेंगे डी एक्स कर देंगे, क्लियर गाइस। अब यहाँ पे क्या साइन इनवर्स वन आ गया, तो साइन इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स वन कहाँ पे होता है पाई बाई टू पे होता है 90 डिग्री पे, तो हम उसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8c अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a टी स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू डी एक्स, तो यहाँ से पाई बाई टू इंटू वन अपॉन टू कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 8c बाई ए इंटू फोर, ये 2 × 4 आ गया, यहाँ से आ गया 0 to a और यहाँ पे इंटू पाई भी आएगा टी स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ से क्या आ गया ये 4 × 8 तो हो गया 2c पाई हो गया, यहाँ पे 2c पाई अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a। अब यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो हम यहाँ पे अगर हम टी की वैल्यू को रिप्लेस करें जो हमने एज्यूम किया था, सो हमने एज्यूम क्या किया था टी की वैल्यू को बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अगर यहाँ से हमने फिर अंडर रूट को ओपन किया था तो ये चीज आया था हमारे पास, ये इक्वेशन आया था, यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 1 − x² अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर 1 − x² अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर है गाइज। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2c पाई बी स्क्वायर अपॉन अपॉन यहाँ पे ए आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a वो यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस क्या है ए स्क्वायर है, तो अगर ए स्क्वायर भी यहाँ पे कांस्टेंट है तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर ले तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ से बाहर आ गया अपॉन में ए स्क्वायर
और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब इस पूरे को हमें रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो ये बहुत इजी है। तो यहाँ से कुछ ऐसा बन गया 2c पाई बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए स्क्वायर के साथ यहाँ पे एक्स नहीं है, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, और वैल्यू पुट किया हमने 0 to a। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर लेते हैं, तो ये जाएगा 2c पाई बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, पहले पुट किया हमने a, तो यहाँ पे क्या बन गया ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई थ्री, क्लियर है। और फिर हमने पुट किया लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये माइनस 0, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो क्या आ गया 2c पाई बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू ये 3 यहाँ चला गया, तो 3 ए क्यूब माइनस ए क्यूब क्या हो गया 2 ए क्यूब अपॉन 3, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 4c पाई बी स्क्वायर अपॉन 3, इसका क्या हो गया आंसर हो गया 4c पाई बी स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया था, बी स्क्वायर कॉमन लिया था, ये बी स्क्वायर बाहर आ गया था, सो इसका आंसर आ गया 2c पाई बी स्क्वायर अपॉन 3। गाइज यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया मेरे से स्टार्टिंग में, कि जो वैल्यू था हमारे पास सी अपॉन बी, उसको मैंने गलती से यहाँ पे सी अपॉन ए लिख लिया था, तो ये चीज करेक्ट कर लिया। अब ये बी है, यहाँ पे भी बी आएगा, ये भी बी है, यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे तो अपॉन में ये बी आएगा, तो यहाँ पे ए क्यूब नहीं होगा, ये क्या जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी, क्लियर है गाइज। तो यहाँ पे क्या जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी, तो मैं एक बार लास्ट स्टेप को दोबारा से कर लेता हूँ, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक गाइस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2c पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी है, तो ये बी से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2c पाई बी अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचेगा 2c पाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो एक एक बी है ऊपर, बी स्क्वायर नहीं, एक बी से भी कैंसिल हो गया, 2c पाई बी अपॉन ए स्क्वायर, 2c पाई बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे जब हमने लिमिट पुट किया तो क्या वैल्यू आया है 3 ए स्क्वायर, 3 ए क्यूब माइनस ए क्यूब, 2 ए क्यूब अपॉन 3, सो ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 4c पाई ए बी अपॉन 3, तो ये हो गया हमारे पास 4 अपॉन 3 पाई ए बी सी, ये इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइज आपने देखा कि अगर एक भी मिस्टेक हो जाएगा कहीं पे भी एक पॉइंट का, अगर आपने ए को बी लिख दिया या बी को ए लिख दिया, तो आपके जो क्वेश्चन होगा वो पूरा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम पे आप थोड़ा ध्यान से सॉल्व करें कि जो भी वैल्यू आप लिख रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। एंड गाइज कोई भी डाउट हुआ हो, अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिलेगा, आप वहाँ पे मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस में भी अगर वॉल्यूम पे फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन वीडियोस अपलोड होंगे तो उन सभी के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।